राजधानी पटना की तस्वीर, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान जो है उनके तमाम कार्यकर्ता समर्थक भी अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हाथों में लोजपा रामविलास का झंडा लिए हुए हैं। और देखिए किस तरीके से लगातार चिराग पासवान अब पटना की राजधानी पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं। बिहार बचाओ मार्च का वो खुद नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे में उनकी एक ही मांग है, वो मांग पटना में राष्ट्रपति शासन लागू करने की। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो स्थितियां हो गई है ऐसे में बिहार सरकार से अब कुछ नहीं संभल रहा और राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चिराग पासवान के समर्थक जो हैं क्या पहुंच गए हैं। खुद चिराग पासवान भी आ गए हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे राजभवन मार्च का। देखिए भीड़ देखिए किस तरीके का है, जन सैलाब जो है वो उमड़ कर आया है चिराग पासवान के राजभवन मार्च में। देखिए चिराग पासवान नीचे उतर गए हैं और खुद समर्थकों से आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ नजर आ रही है चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ अब राजभवन मार्च के लिए रवाना होने वाले हैं। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोजपा रामविलास का दामन थामे हुए हैं, उनका झंडा थामे हुए और भीड़ कुछ इस तरीके से उग्र हो गई है कि इस तरीके का भीड़ है कि लोग जा नहीं पा रहे। देखिए पहले जेपी गोलवर में जयप्रकाश के मूर्ति पर माला चढ़ाने जा रहे हैं चिराग पासवान। देखिए भीड़ किस तरीके का, चलिए चलिए बढ़िया इस तरीके का भीड़ नजर आ रहा है कि एक तरफ चिराग पासवान और उनके समर्थक जो है वो जयप्रकाश की मूर्ति पर माला अर्पण करने के लिए चिराग पासवान पहुंचे। देख सकते हैं इस तरीके की तस्वीरें हैं। चिराग पासवान समर्थक जो है वो आए हैं और साथ ही साथ जो भीड़ है जन सैलाब है वो मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना। देखिए किस तरीके का भीड़ जो है वो नजर आ रहा है चिराग पासवान के साथ उनके समर्थक जो है वो नजर आ रहे हैं जेपी